हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल जय गौरव ऐप। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन ऑर्डर मार्केट में मिलने वाली बेस्ट एंटी लेवल फिडान कार के बारे में। अगर आपका प्लान कम बजट में एक एंटी लेवल फिडान कार लेने का है तो आपके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। इस वीडियो में मैंने इंडिया में मिलने वाली उन सभी फिडान कार्स को कवर किया है जो कि आपको 10 लाख रुपए से कम के बजट में देखने को मिल जाती है इंडिया में, और साथ ही में मैंने अपने ओपिनियंस भी आपके साथ शेयर किए हैं और आपको भी क्लियर आइडिया हो जाएगा कि आपको अपनी मेहनत की कमाई कौन सी गाड़ी पर लगानी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपका प्लान एक फिडान कार लेने का है तो 10 लाख रुपए के अंडर के बजट में अभी के टाइम में इंडिया में 4 ऑप्शंस मौजूद हैं। एक ऑप्शन फोर्ड एस्पायर का भी था, लेकिन अभी के टाइम में फोर्ड इंडिया को क्विट कर चुकी है तो फोर्ड एस्पायर को बाय करने का कोई रीजन ही नहीं बनता है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिस्ट में नंबर 4 पर है होंडा अमेज। होंडा अपनी फिडान कार के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर है इंडिया में, और होंडा की ज्यादातर कार आपको फिडान कार सेगमेंट में ही देखने को मिलेंगी। इंडिया में होंडा अमेज कॉम्पैक्ट एसयूवीज के सेगमेंट में होंडा की बेस्ट सेलिंग कार है। रिसेंटली होंडा ने अपनी अमेज को अपग्रेड करके इसके न्यू फेसलिफ्ट मॉडल को मार्केट में लॉन्च करा है जो कि पहले से थोड़ा ज्यादा बेटर है, लेकिन इसमें भी कुछ बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं। होंडा अमेज में लुक्स काफी बढ़िया मिल जाते हैं और ये कार देखने में थोड़ी ज्यादा प्रीमियम लगती है, लेकिन अगर इसके फीचर्स को देखा जाए तो फीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कार उतनी ज्यादा फीचर से लोडेड कार नहीं है। इसमें आपको बेसिक फीचर्स भी मिलते हैं जैसे कि 7 इंच की टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एटसेट्रा। ये कार इंडिया में पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शंस में मिल जाती है। कार में पेट्रोल इंजन के ऑप्शन में 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन और सीवीटी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन में मिलता है। डीजल इंजन ऑप्शन में इसमें 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता है जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन और सीवीटी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में मिल जाता है। तो यहाँ पर डीजल ऑटोमेटिक ऑप्शन में ये कार सेगमेंट में इकलौती कार है, और बाकी दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो होंडा अमेज एक काफी अच्छी कार है फिडान कार के सेगमेंट में। यहाँ पर होंडा अमेज का सर्विस नेटवर्क इंडिया में उतना ज्यादा बड़ा नहीं है, तो आपको इस कार को बाय करने से पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए इसकी सर्विस के बारे में। होंडा अमेज इंडिया में 3 वेरियंट्स में मिलती है, और कार की शुरुआती एक शोरूम कीमत 6,34,000 रुपए से शुरू होकर 11,17,000 रुपए के आसपास तक जाती है। लिस्ट में मैं नंबर 3 पर रखना चाहूंगा मारुति सुजुकी डिजायर को। मारुति सुजुकी डिजायर अपने सेगमेंट में इंडिया में अभी के टाइम में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है, और इंडिया में हर साल ये कार काफी बढ़िया सेल्स निकाल लेती है। मारुति सुजुकी डिजायर के लुक्स और फीचर्स भी बढ़िया हैं, लेकिन ये प्रीमियम की कैटेगरी में नहीं आते हैं। इसमें आपको बेसिक फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। मारुति सुजुकी डिजायर को बाय करने के कुछ मेन रीजन है जैसे कि इसकी रिटेल वैल्यू आपको काफी बढ़िया मिल जाएगी अदर कार के कंपैरिजन में। मारुति सुजुकी का सर्विस नेटवर्क इंडिया में सबसे बड़ा है, तो यहाँ पर सर्विस की कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, और यहाँ पर मारुति सुजुकी का इंजन है तो इसमें आपको अच्छा माइलेज और कम मेंटेनेंस कॉस्ट देखने को मिल जाएगी। इंडिया में मारुति डिजायर 1.2 लीटर के पेट्रोल इंजन ऑप्शन में ही मिलती है, और कार में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर मारुति डिजायर का एक ही कौन है कि मारुति की बिल्ड क्वालिटी पर सवाल उठते रहते हैं, तो यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करने के बारे में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। बाकी ये कार अपने सेगमेंट में इंडिया में सबसे कम कीमत में मिल जाती है, और कार की शुरुआती शोरूम कीमत 6 लाख रुपए से शुरू होकर 9 लाख रुपए तक जाती है, और ये कार इंडिया में करीब 3 वेरिएंट्स में मिल जाती है। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज टाटा टिगोर। टाटा टिगोर भी अपने सेगमेंट में काफी बढ़िया बजट फ्रेंडली कार है। टाटा टिगोर में भी आपको बढ़िया लुक और बढ़िया इंटीरियर मिल जाता है। फीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें आपको सभी काम के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जैसे कि सेगमेंट की अदर कार्स में दिए गए हैं। सेफ्टी क्रैश टेस्ट में टाटा टिगोर को ग्लोबल एनसीएपी ने 5 में से 4 स्टार की रेटिंग दी है जो कि काफी बढ़िया रेटिंग है, और 50 के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कार लेना चाहते हैं तो आप टाटा टिगोर को अपनी लिस्ट में कंसीडर कर सकते हैं। ये कार अभी के टाइम में 1.2 लीटर के पेट्रोल इंजन के ऑप्शन में मिलती है जिसमें आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन ऑप्शन भी मिल जाते हैं। टाटा टिगोर का सर्विस नेटवर्क और रिटेल वैल्यू भी काफी बढ़िया है, तो यहाँ पर भी आपको ये प्लस पॉइंट इसमें देखने को मिल जाएगा। हुंडे ने अभी पिछले ही साल अपने हुंडे एसेंट को डिसकंटिन्यू करके हुंडे ऑरा को लॉन्च करा था, और अभी ये कार मार्केट में लॉन्च होने के बाद सेगमेंट में सबसे अच्छी लुक वाली कार है, और इंटीरियर में भी आपको इसमें बढ़िया इंटीरियर देखने को मिल जाएगा। फीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होंडा ऑरा अपने सेगमेंट की अदर कार से कहीं ज्यादा है। इसमें आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा, टच स्क्रीन इसमें आपको काफी बढ़िया देखने को मिल जाती है, और कनेक्टिविटी फीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होंडे ऑरा काफी बढ़िया कार है। इंजन ऑप्शंस में इसमें आपको पेट्रोल, डीजल, सीएनजी सभी इंजन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। इसमें 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन ऑप्शन में मिलता है, और यही इंजन कंपनी फिटेड सीएनजी किट के ऑप्शन में भी मिल जाता है। होंडे और हमें 1.2 लीटर का डीजल इंजन ऑप्शन में मिल जाता है जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन में ही हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इंजन में भी आपको एक अच्छी रेंज मिल जाती है ओरा में। बाकी ओरा में आपको सर्विस नेटवर्क और रिटेल वैल्यू भी काफी बढ़िया यहाँ पर देखने को मिल जाएगी।
हुंडई और इंडिया में करीब 12 वेरिएंट में मिल जाती है और कार की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत करीब 6 लाख रुपए से शुरू होकर 9,36,000 रुपए तक जाती है, जो कि काफी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है। तो यहाँ पर कॉम्पैक्ट फिनान कार्स के सेगमेंट में मैंने अपना ओपिनियन प्रायोरिटी वाइज आपके साथ शेयर, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है यहाँ पर फ्रेंड। साथ ही मैं अपना ओपिनियन एक और शेयर करना चाहूंगा आपके साथ कि अगर आपका बजट थोड़ा सा ज्यादा है तो आप इलेक्ट्रिक कार की तरफ भी स्विच कर सकते हैं। इसी सेगमेंट में अभी रिफाइंड में ही टाटा टिगोर ईवी लॉन्च हुई है, जो कि काफी बढ़िया लुक और काफी बढ़िया इंटीरियर के साथ मार्केट में लॉन्च हुई है। इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसमें आपको लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा सेविंग हो जाएगी, क्योंकि इसमें आपको रनिंग कॉस्ट काफी ज्यादा कम आएगी और मेरे हिसाब से इसका पे बैक पीरियड आपको 1 or 2 years में देखने को मिल जाएगा और बाकी इसमें आपको सब्सिडीज वगैरह पर अदर बेनिफिट्स भी देखने को मिल जाएंगे। पेट्रोल कार्स के कंपैरिजन में इलेक्ट्रिक कार्स काफी बढ़िया है, लेकिन इनमें आपको चार्जिंग वगैरह का थोड़ा दिक्कत आ सकता है। फ्यूचर का सोचते हैं तो आप इलेक्ट्रिक कार की तरफ स्विच हो सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार में आपको पेट्रोल और डीजल कार्स के कंपैरिजन में पिकअप स्पीड काफी बढ़िया मिल जाती है और रनिंग कॉस्ट भी लॉन्ग टर्म में काफी कम आती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और काम का लगा होगा तो एक लाइक जरूर करिएगा और ऐसे ही डेली न्यू ऑटोमोबाइल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।